to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सियासत में तगड़ा भूकंप आया है जिसका झटका सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को लगा है। टीवी पर आप लगातार इस सियासी ड्रामे के बारे में देख ही रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और सवाल ये है कि इन सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे? क्या पहली बार इन दोनों नेताओं के बीच ये झगड़ा हुआ है? क्या बीजेपी में चले जाएंगे सचिन पायलट? क्या राजस्थान में पलट जाएगी सरकार? क्या है इन सवालों के जवाब, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में युवा चेहरे की बजाय अनुभवी नेताओं को मौका दे दिया गया। राहुल गांधी ने बड़ी मुश्किल से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रस्साकशी को छिपाकर सरकार तो बना दी, लेकिन इन दोनों में आपस में नहीं बनी। ऐसा ही उन्होंने कुछ मध्य प्रदेश में किया जिसका हश्र तो सभी ने देखा। मध्य प्रदेश की सरकार आखिर सिंधिया ने गिरा ही दी, लेकिन राजस्थान की सरकार जैसे तैसे अब तक चल रही थी। ऐसा नहीं था कि ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे, दोनों में अक्सर खींचतान तो हो ही रही थी। लेकिन बात बढ़ने शुरू हुई जून में, जब राज्यसभा के चुनाव आ गए। कांग्रेस बार बार कह रही थी कि बीजेपी विधायकों को लालच दे रही है और उन्होंने इस बात की शिकायत कर दी राजस्थान पुलिस के विशेष बल SOG को। यहाँ पर गहलोत को हर हाल में विधायकों को बचाने की चुनौती थी। ऐसे में सियासत के इस जादूगर ने सारे प्रपंच किए। गहलोत ने राज्य की सीमाएं सील कर दी, विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया और आखिरकार 2 सीटों पर बाजी मार ही ली। लेकिन खबरों की दुनिया में अचानक बाढ़ तब आ गई जब पुलिस के विशेष कार्यबल ने विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार को तोड़ने के लिए एक मामला दर्ज कर लिया। ये मामला भी IPC की धाराएं 124 से जो कि राजद्रोह के लिए होती है और 120B जो कि आपराधिक साजिश के लिए होती है उसके तहत दर्ज किया गया। अब क्या था, SOG ने तो अपना काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री यानी कि सचिन पायलट और चीफ व्हिप को इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजकर समय मांगा। बात यहीं से बिगड़ने शुरू हो गई। SOG के लेटर ने पायलट को नाखुश कर दिया और इसे उन्होंने अपने खुले तौर पर बेइज्जती समझा। और ये बेइज्जती थी भी, क्योंकि राजनीति समझने वाला हर इंसान ये जानता है कि इस चीज़ में खुद को शामिल करके गहलोत ने सोचा कि मामला ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और साथ ही उन्होंने ये एक छलावा ही रचा था। लेकिन पायलट इतना नाराज हो गए कि उन्होंने बगावत के सुर तान लिए। नाराज सचिन पायलट दिल्ली जा पहुंचे और खुद मीडिया को बताया कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है और 30 से ज्यादा कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों ने उन्हें समर्थन देने का वादा भी किया है। ये बात जैसे ही सामने आई कांग्रेस की सेंटर यूनिट में खलबली मच गई। रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन जैसे कई बड़े नेताओं को दिल्ली भेजा गया, लेकिन गहलोत श्योर थे कि उनकी सरकार को कुछ नहीं होगा। ये बात उन्होंने साबित भी की और 109 विधायकों का समर्थन पत्र हासिल कर लिया। लेकिन ये जो मुसीबत गहलोत सरकार पर आई है ये टल तो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई। तभी तो कांग्रेस के सारे विधायकों को गहलोत ने होटल में ठहरा कर रखा है। लोग इस सियासी नाटक के फ्री में जमकर मजे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जादूगर का जादू चल गया और पायलट का प्लेन क्रैश हो गया। वहीं बीजेपी भी पर्दे के पीछे से इस पूरे तमाशे का लुत्फ उठा रही है। लेकिन हाँ, गहलोत के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़वा कर जितना बन पा रहा है वो कर भी रही है, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। देखना यह है कि सचिन पायलट का अगला दांव क्या होता है। इस सियासी ड्रामे में ये जरूर साफ हो गया है कि कांग्रेस में युवा चेहरे जो कि वाकई मेहनत करते हैं उनके लिए जगह नहीं है। आपस में लोगों में तालमेल नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ नहीं है। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। इस मामले से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट्स भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और हाँ, इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।